सभी सम्मानित लोग हैं, मैंने पहले ही बता दिया और बताना कि आप लोग देख ही रहे हैं, तो दीप प्रज्वलन हो रहा है। आप लोग खड़े हो जाएं अपने अपने जगह पे और तालियां बजाएं, और सर से मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दीप को प्रज्वलित करें। तमसो मां ज्योति गम्य, हे ईश्वर हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। याद रखिएगा, किसी के दीपक को बुझाने से पहले इस शेर को याद रखिएगा कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। आपके अटाली पे जलता हुआ दीपक और किसी के झोपड़ी पे जलता हुआ दीपक सब एक तरह है। तो सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला इस तरफ क्या उजाला उस तरफ क्या। एक बार जोरदार तालियां, दीप प्रज्वलन हो रहा है। तमसो मां ज्योति गम्य, हे ईश्वर हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलो, हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको खत्म करके हमें एक अच्छा मानव बनने के लिए प्रेरित करो, और हमारी सभी गलतियों को माफ करते हुए हमें एक अच्छे पुरुष बनने में हमारी मदद करो। बहुत बहुत आभार आप सबका। आप मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने सम्मानित सीट पे बैठ जाएं। आमंत्रित करता हूं और विजय भैया से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन्हें पौधा देकर सम्मानित करें, और आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उपेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। सर, इस उम्र में भी हम लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम लोगों का साथ दे रहे हैं, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। इनके पास इतनी शक्ति है कि ये सत्ता के आंखों में आंखें डाल कर बातें करते। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। काफी अच्छा ये चैनल है और काफी सच के साथ लोगों को रूबरू कराती है, तो वही चैनल के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि आप अपने सवालों के बौछार करें और इसका जवाब हमारे देंगे भाई साहब। आवाज में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं पटना के बोरिंग कैनाल रोड में। यहां पर एक संस्था है सोशल वॉरियर, और ये संस्था अच्छे लंबे समय से चल रही है। आज इसकी एक इवेंट हो रही है। किस उपलक्ष्य में इवेंट हो रही है हम जानते हैं। यहां पर मौजूद हैं इस संस्था के सीईओ विजय कुमार, और आज के इवेंट में चीफ गेस्ट में मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर उपेंद्र प्रसाद। हम दोनों से बात करते हैं कि आज का इवेंट का मेन उपलक्ष्य क्या है, ये संस्था जो है कि किस मकसद से चल रही है, तो चला रहे हैं, क्या उनका मकसद है, और आज के इवेंट में जो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर, हम इनसे भी जानते हैं कि इस मौके पर शामिल होकर के उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले हम विजय जी से पूछेंगे, आप बताइए अपने बारे में और संस्था के बारे में। जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम विजय कुमार है। इनिशियली 2007 में मैं आर्मी ज्वाइन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 2012 में वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। एंड देन मैं सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि देश का कल्याण के समाज का कल्याण के साथ साथ देश का कल्याण हो। पहले छोटे लेवल से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट किया, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सोशल वॉरियर करके। पहले हम लोग क्या है कि स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को, जिनको खाने की दिक्कत होती थी, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का प्रोग्राम हम लोग रखे हुए थे। बट धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग की और आप लोगों की मदद की वजह से हम लोग अपने इस प्रोग्राम को अभी इस लेवल पर लेकर के आ गए हैं कि अभी हर गांव में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे, जिनको प्राइवेट एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके, टॉफी वगैरह दे करके उनको आने की आदत लगाते हैं, स्कूल आने की आदत लगाते हैं, पढ़ने की लालसा जगाते हैं, और इस तरीके से छोटा छोटा एक सेटअप हमने डालना स्टार्ट किया है। और उस तरीके का कुछ पटना में है, सेक्रेटरीट के पास है, हमारा कुछ गांव में है, तो वहाँ पे बच्चे अब प्राइमरी एजुकेशन अपना लेने के लिए आ रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का आज हमारा पूरा एक साल हो गया है,
19 दिसंबर 2019 से हमने आज ये काम स्टार्ट किया था। आज 19 दिसंबर 2020 है, पहला सालगिरह है आज हमारा इस संस्था का, और उसी के उपलक्ष में आज हम लोग यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका जो चलाने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है सर कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें काबिलियत होती है और उनको एक सही प्रॉपर गाइडेंस, सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उनको वो एजुकेशन दिलाना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, और कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे खाना वेस्ट होता है। हम लोग जहाँ पे खाना वेस्ट होता है उनसे कोऑर्डिनेट करके वो खाना कलेक्ट कर लेते हैं, और स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे जिनको खाना नहीं मिल पाता है उन तक खाना पहुँचा देते हैं। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जैसे लास्ट ईयर की बात, लास्ट कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात नहीं है, एक मानसिक रूप से कमज़ोर थे व्यक्ति सडन मुझे मिल गया। उनको ये नहीं पता था उनका घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है। उनको हम लोग प्रॉपर अपने वेन्यू पे लेकर के आए, कंबल वगैरह उड़ाया, सब कुछ किया। 4-5 दिन रखने के बाद अच्छे से ट्रीटमेंट उनको मिला। 6ठा दिन वो खुद बता दिए कि मेरा जगह कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा लोकेशन कहाँ है। उनको हम लोग उस जगह पे पहुँचा दिए। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। जैसे हमारा किसी रेस्टोरेंट से टाई अप है, या किसी शादी वादी में गए वहाँ पे खाना बच गया, वहाँ से हम लोग फूड इकट्ठा करते हैं। स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे भी वहाँ जाकर, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, रीज़न कुछ भी रहा हो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस हो या शायद उनको उस तरीके के लोग समझा नहीं पाते हैं, उन तक एजुकेशन पहुँचाना। उनको हम 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, बुलाते हैं, कभी टॉफ़ी दिया, कभी बुक दिया, कभी उनको कपड़े दिए। उनको आने की आदत लग जाती है, आने की आदत लगने के बाद वो फिर बाद में पढ़ने की आदत लग जाती है। आज 4 बच्चे से स्टार्ट किए, 40 बच्चे हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से 400 बच्चे होंगे, 4000 बच्चे होंगे, और हमारा गांव, हर गांव शिक्षित बनेगा जो हमारा मिशन है, वो कामयाब होगा। हर गांव शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा बिहार शिक्षित होगा, और हमारा बिहार शिक्षित होगा तो हमारा हिंदुस्तान शिक्षित होगा। ये इस थीम पे हम लोग काम ऐसे कार्य को करने के लिए आपकी संस्था को फाइनेंस कहाँ से है? जी, ऐसे काम जैसे जितने भीड़ इकट्ठा है, इन लोगों का मेहनत और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हमारा ये संस्था चल पाता है। वन डे वंडर नहीं होता सर, और भी हम अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप सर्कल में जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे नीड है, सपोज कोई पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर की जरूरत है उनको, तो एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता सकता, सर के सहयोग से, मैम के सहयोग से, और बाकी जितने भी मित्र लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों के सहयोग से हम लोग फंडिंग कर पाते हैं और ये संस्था चलती है। धन्यवाद। और इस आज के इवेंट में मौजूद हैं हमारे हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर उपेंद्र प्रसाद, जिनसे भी जानते हैं कि इस इवेंट के मौके पर शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले उन्हें बता दूं, संस्था के द्वारा चलाए जाने वाला जो मिशन है उसका उद्देश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र और बहुत ही स्वच्छ। समाज के वैसे लोगों को जिनको कोई सहायता किसी तरह का मदद देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इस संस्था के माध्यम से उसको बढ़ावा देना, मदद करना, एजुकेशन के लाइन में खाना पीना से बड़ा आवास की व्यवस्था करने से लेकर के शिक्षित करने तक का जो स्कीम लोगों ने चलाया है, मैं उसके लिए उनको सलाह देता हूँ कि काम सराहनीय है और इसे लोगों को मदद करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पर मौजूद एक और चीफ गेस्ट हमारे मौजूद हैं, हाईकोर्ट के ही क्राइम लॉयर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एडवोकेट वीना कुमारी जायसवाल, हम इनसे भी जानते हैं कि इस मौके पर कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? कितनी अच्छी बात है कि जहाँ कोई सुविधा नहीं है वहाँ ये बच्चा सबको सुविधा दे के बहुत आगे बढ़ाना चाह रहा है, और मौके पर किसको क्या मदद मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए उसमें सहयोग करके इतना आगे बढ़ा के और सबके इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल करते हुए इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग की सबकी धारणा होनी चाहिए कि इसको सब ओर से हम लोग मदद करके, और एक साल क्या हम लोग इसमें कई सालों में इसको देख देख के इसको इतना आगे बढ़ाएं कि ये बच्चा मेरा बहुत आगे निकले और सबकी मदद कर सके।